सी और बिटिया हम सब हो गए रेडी। दीदी को ला और ये मेरी सबसे बड़ी दीदी ललित देखते हैं क्या तिलक होने वाला है। पसीना इतना है मेरा बेटा। हेलो, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका वेलकम है साधना रियल ब्लॉग चैनल में। तो जिस काम के लिए मैं आई थी फिलहाल वो दिन आज आ गया है, यानी आज है मेरे बेटे का बयाना दीदी के लड़के का। और यहाँ मेरी भाभी जी रेडी सेडी हो रही, यानी मेकअप सेकअप कर रही हैं। आप सब मेरी भाभी से मिले ही हो। ये मेरी भतीजी अनु है और हम सब यहाँ मेकअप कर रहे हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं ना, ये मेरी दीदी की देवरानी हैं जिसकी शादी हो रही है, उसकी मम्मी की यानी ललित की चाची हैं। और ये मेरी भाभी जी इधर जो मेकअप कर रही है, ये ललित की बड़ी मम्मी हैं। ये तो तीन देवरानी थानी हैं मेरी दीदी, और तीनों में बहुत ही प्यार है, ऐसे मुझे लगता है हर घर में होना चाहिए। और ये देखिए फ़िलहाल मेरा है ये मेकअप लुक, सिंपल और साधारण सा। और ये ललित अभी बैठने वाला है बयाना में, हमारी तब बयाना ही कहते हैं, तो पानी वानी पिला रहे हैं। वीडियो बनाओ ये मेरा बेटा। और हम सब हो गए हैं रेडी। ये देखिए मैं भाभी को बोल रही थी, भाभी आपकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। तो बोल रही नहीं साधना तुम्हारी अच्छी है, और जो कि रियल में भाभी की अच्छी लग रही है, लेकिन वो कितनी भी अच्छी हो या पहने हों खुद को कभी अच्छा मानती ही नहीं है। शायद यही एक गुण इनमें है जो मुझे पसंद है। और ये मेरी दीदी की ननद है, ये ललित की बुआ जी, एक ही बुआ है। तो सब लोग हम रेडी हैं, चलिए फिर बैठते हैं बयाना में। बहुत दिन से इसके लिए मैं तैयारी कर रही थी और बिजी थी, वो दिन आ गया है। बयाना और सगाई दोनों ही होगा, तो आज 21 अप्रैल है और 23 अप्रैल को हम लोग लड़की को देखने जाएंगे, यानी सगाई करने, अंगूठी पहनाने। ये देखिए सब लोग एकदम से रेडी सेडी हो गए हैं, और सबको मैं मिलवाती हूँ आप सबसे, क्योंकि उधर थोड़ा टाइम है बयाना में। ये देखिए ये मेरी दीदी है, ये छोटी वाली, और ये मेरी भाभी, और ये मेरी सबसे बड़ी दीदी ललित की बड़ी मम्मी। तो हम सब है रेडी, चलिए फिर बैठते हैं और देखते हैं क्या तिलक होने वाला है कि परीक्षा सगाई। तो चलिए बेटी यानी ललित की बहन, मौसी और बिटिया। पसीना इतना आ रहा है, पसीना बहुत आया है। जितनी सही हो पाए पसीना। और ये देखिए सब लोग बैठ गए हैं, इधर काम चालू हो गया है। मतलब एक फिक्स टाइम होता है ना शादी ब्याह का, बयाना परीक्षा सगाई जो भी होता है ना, एक टाइमिंग होती है कितनी टाइम से ये काम होना है। तो वैसे ही हम सब वेट कर रहे थे, तो फिलहाल अभी शुरू हो गया है। हमारी तब इसे बयाना कहते हैं, परीक्षा आप लोग क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। इधर लेडियाँ बैठी हुई हैं और इधर यहाँ बैठ के सीवी मेरा रिकॉर्ड कर रहा था शायद, और मैं बच्चों को डांट रही थी कि इन लोग ना फायर कर रहे थे, यानी छुटा रहे थे बंदूक, तो मुझे बहुत डर लगता है, इसलिए मैं बच्चों को बोले सब एक तरफ जाओ, ऐसे कामों में ना कभी कभी हो जाती है प्रॉब्लम, तो मैं इन सब चीज़ों से बच्चों को दूर ही रखना चाहती हूँ। यहाँ हम सब बैठे हैं, नीचे इतनी ज़्यादा गर्मी है, फैन चल रहा है, सब तरफ उन्होंने लगा रखा है फर्राटा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, इतनी ज़्यादा गर्मी है। और 4:30-5 बजे का टाइम है, इस टाइम ना गर्मी भी बहुत होती है। यहाँ मेरी भतीजी, मैं, मेरी दोनों भतीजियाँ हैं प्रिया और अनुष्का, मेरी भाभी जी, मतलब सब लोग हैं घर के बैठे हैं, और बच्चे अपना शरारत कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों का यही काम है। कुछ लोग छत में हैं,
बच्चों ने जो रिकॉर्ड किया किया, जो नहीं कर पाए वो नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हीं के हाथ में फ़ोन था। अगर हम लोग रिकॉर्ड करते तो फिर हम दिखते कहाँ, है ना। तो जहाँ जहाँ ये लोग रिकॉर्ड कर रहे थे फिलहाल बहुत अच्छा लगता है ना ऐसी चीज़ों में। मैं काफ़ी दिन से ना एकदम बोर सी थी, तो एक इंजॉयमेंट हो गया है, समझ लीजिए एकदम मज़ा आ गया है। काफ़ी दिन बाद मेरे रिलेशन में, जैसे दीदी के यहाँ मायके में या अपने घर में, मतलब कुछ खास ऐसे होता है ना, जैसे मायके और मेन घर, तो वो अपना सा लगता है। तो मेरे मेन रिश्ते में बहुत दिन बाद शादी हुई है, मतलब शादी के दिन आ रहे हैं, तो मन थोड़ा सा खुश है, अच्छा लग रहा है। क्योंकि हम सब ना अपनी लाइफ में इतने बिजी, इतने सैड सैड से रहते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब खुश हुए हैं। इधर सबके पाँच हो रहा है बेटा, और बहुत ही सीधा साधारण सिंपल सा है मेरा ये लड़का। मैं आपसे इतनी बड़ाई करूं तो क्या करूं, दिल्ली में जॉब करता है, बट इसमें एक इंच मात्र का ना ईगो है ना घमंड है, बहुत ही सिंपल साधारण सा लड़का है। और अभी ना काम से कल ही आया है, ये सारा तैयारी वगैरह इसके बड़े पापा और चाचा जी ने किया है, इसके पापा ने, ये कल आया है, तो इसलिए थोड़ा दुबला दुबला सा भी है, क्योंकि अभी अकेले जब बच्चे बाहर रहते ना तो उनको प्रॉब्लम होती है, काम करें घर देखें सब कुछ, और शादी हुई होती है थोड़ा सा अच्छा रहता है, खाना पीना बना बनाया मिल जाता है। और देखिए फिलहाल सब कुछ हो गया है, बहुत थोड़ा सा मैंने दिखाया है, क्योंकि फिर ब्लॉग भी बहुत लंबा हो जाएगा। और सब लोगों से मैंने मिलवा दिया है ना, और देखिए इधर शिवा बैठा है मेरा और आशुतोष। मैं उन लोगों से बोल रही थी मुझे कुर्सी दे दो, क्योंकि मैं ना जमीन बैठे बैठे थक गई थी। और ये मेरी दीदी हैं ललित की मम्मी, ये लो सारी। और ये चाचा जी हैं ललित के, इधर देखिए रूबी है ललित की बहन और मेरी दीदी। और यहाँ हम लोग फ़ैन नहीं है तो हाथ वाला फ़ैन ही यूज कर रहे हैं, क्योंकि लाइट तो है लेकिन कहाँ कहाँ लगाया जाएगा, होता है ना ऐसा। और ये ललित की बुआ जी हैं जो काम मैनेज कर रही हैं, मतलब सारा काम यही देख रेख में, मतलब इन्हीं की देख रेख में हो रहा है। मैं तो क्या कहूँगी, बहुत ज़्यादा सब कुछ संभालती है इनकी बुआ, प्राउड फील होता है, बहुत अच्छा लगता है ना इसे। इधर फिर ठंडा भी मिल रहा है पीने के लिए। और देखिए ना इधर उधर वीडियो थोड़ी हो गई है आगे पीछे, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान मत दीजिए, बस देखते रहिए। क्योंकि कुछ मैंने पहले डाल दिया था, कुछ बाद में आप लोगों ने देखा होगा, दो दिन मेरा ब्लॉग ही नहीं गया है, क्योंकि वहाँ ना नेट बिल्कुल नहीं चल रहा था। मैं अभी घर आ गई हूँ तब एडिट कर रही हूँ। ये देखिए मेरी दोनों भतीजी, मैं और बेटा और मेरी दीदी जी यानी ललित की मम्मी। तो अब देखिए सगाई वो बयाना तो हो गया है, अब सगाई में भी जाना है, और मैं मस्ती कर रही हूँ, क्योंकि मैं जहाँ रहूँ मस्ती ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तो ये देखिए मेरे भाई साहब, और यह है मेरे भैया, जो लोग कहते भैया से मिलवाइए, यही है मेरे भाई, एक ही भाई है मेरे, एक ही भाभी हैं, भाभी से आप लोग मिलते ही रहते हो, भैया से आज मिल लो। ये मेरे भैया ओम नारायण नाम है इनका। और इधर हलवाई सारा खाना रेडी कर चुके हैं, तो वही हम सब चेक कर रहे थे कि देखें कैसे क्या बना हुआ है। वैसे हलवाइयों का तो एक स्वाद ही अलग होता है, फिर भी अब ये शाम का टाइम हो गया है खाने का, तो हम सब अपने लिए निकाल के खा रहे हैं, खाने जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा। तो मैं बस रिकॉर्ड भी कर रही थी कि चलो थोड़ा सा रिकॉर्ड भी कर लेती हूँ, आप सबके साथ भी शेयर कर दूँगी। तो सारा कुछ मतलब बना हुआ है, क्या गिनाऊँ, वैसे नॉर्मल सा हर फंक्शन में सबके यहाँ बनता है, तो बस दिखाई दे रही हूँ बस। चलिए खा लेते हैं, फिर उधर बज रहा है डीजे, थोड़ा सा डीजे का भी साउंड दे सुना दूंगी, क्योंकि आप सब जानते हैं कॉपीराइट भी आ जाता है। इधर देखिए बन रहा है, हलवाई में यही अच्छा रहता है ना कि एक तरफ बनता रहता है, सब लोग खाते रहते हैं, टेंशन नहीं रहती है। तो दिखाऊंगी थोड़ा सा डांस वाला वीडियो, और म्यूट तो करना ही पड़ेगा, आप सब जानते हैं कॉपीराइट का खतरा जो है ना। तो बच्चे शुरू हो गए हैं खाने के लिए, बयाना वाले जितने लोग आए थे वो लोग खा के चले गए हैं, इधर घर के लोग ही खा रहे हैं। थोड़ा सा मैंने इधर भी शूट कर लिया है, क्योंकि नाइट में ना उतना दिखाई नहीं दे रहा था, लाइटिंग जगलेटर है, क्योंकि लाइट बार बार जाती है तो बिना जगलेटर के तो काम नहीं चलता है। तो हम लोगों की गांव की तरफ तो जगलेटर ही एक व्यवस्था है, लाइट जाने के बाद उसे हम जला सकते हैं। इधर दीदी के घर का मतलब शुरुआत का नज़ारा है, जो मैंने शूट नहीं किया था, मैंने सोचा इसे भी थोड़ा दिखा दूँ, ये नाइट के टाइम ऐसा लगता है। चलिए अब डांस करने का टाइम है, सब लोग डांस कर रहे हैं बाहर, वही मैं भी निकली हूँ, थोड़ा बहुत मैं भी डांस करूंगी। और इनकी फैमिली में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, इनके परिवार में ही इनके बड़े पापा लगते हैं, नहीं चाचा लगते हैं, उनकी तबीयत थोड़ी सी वीक है, इसलिए डांस बहुत ही थोड़ा सा हुआ है। एज में छत से रिकॉर्ड कर रही हूँ।
और यहाँ बोल रही थी कि चलिए डांस करते हैं, इतना शोर था कि उसे मैंने शायद म्यूट किया है, क्या याद भी नहीं है। ये देखिए इधर डांस चालू है, थोड़ी सी क्लिप सुना दे रही हूँ आप लोगों को। यहाँ हम सब डांस कर रहे हैं अंधेरे में, उधर उजाले की तरफ मैं नहीं गई क्योंकि सब लोग थे, मैंने कहा चलो इधर ही नाच लेते हैं थोड़ा सा। और ये देखिए मैंने थोड़ा सा सुनाया आप लोगों को, तो डांस करके मिलती हूँ। चलिए अभी सब लोग खा पी चुके हैं, डांस भी हो चुका है थोड़ा सा, आप करते हैं वीडियो का एंड, उसके बाद फिर और सारा काम होगा। चलिए फिर बाय, कल मिलूंगी मॉर्निंग में।